हमारे पास रैम और हार्ड ड्राइव के हवाले से आपको तमाम कैटेगरी मिलेगी जो भी आपको चाहिए हो, लैपटॉप की, कंप्यूटर की, 500 GB की। जी ये 500 GB की न्यू है जी, ये रिफर्बिश वही 100 GB बगैर वारंटी में अगर आप लेना चाहें तो 500 GB, ये भी बिल्कुल साफ सुथरी होती है। इसके अलावा 1 TB में आ जाएंगे तो 1 TB आपको मिल जाएगी। ये 1 TB 2 TB जी, 2 TB कितने की है सर? 3 TB मिल जाएगी। 3 TB का क्या रेट है? 3 TB जी। 4 TB की हार्ड ड्राइव मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं मतलब 500 GB से लेके 8 TB तक, 8 TB तक आपको ये 8 TB भी भाई आपको यहाँ से, ये 6 TB है, 6 TB है तो बिल्कुल जो जैसा माल आता है बाहर से, बाहर से जैसा आता है अच्छे तरीके से उसकी पैकिंग चेक करके, तकरीबन हार्ड ड्राइव बाहर से ऐसी पैकिंग में ही आती है, आपको मिल जाएंगे। ये तमाम रैम्स का स्टॉक हुई है माशाल्लाह, 4 GB DDR3 है, ये लैपटॉप की भी रैम्स आपको मिल जाएंगी, ये 8 GB DDR3 है, DDR4 आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये 8 GB DDR4 मिल जाएगी। लैपटॉप और डेस्कटॉप के रेट तकरीबन सेम ही होते हैं, 100-150 रुपए का अगर फर्क होता है। ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रखी हुई है, ये सामान के नाम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जी जी नहीं, ये सब अगर आप जो मैंने आपको यूज में दिखाई अगर वही आप वारंटी में लेना चाहेंगे तो इतना डिफरेंस आता अच्छा, नहीं वो यूज वाली थी सारी जी। अच्छा, और ये सारी की सारी वारंटी में, ये 160 GB 80 GB से लेकर के तकरीबन 1 TB तक मिल जाएंगे, 1 TB तक ही आपको मिल जाएंगी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव, 10 TB मिल जाएगी माशाल्लाह। 10 TB की हार्ड ड्राइव देखें आप, ये एक्सटर्नल पोर्टेबल ड्राइव्स मिल जाएंगी ये आपको, और ये कितने की मिलेगी? अगर रिटर्न करवाना चाहता है कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आती जेन्युइन रीज़न के ऊपर, तो हम रिटर्न विद स्माइल करेंगे उसको। अच्छा, उसकी कैश रिटर्न कर देंगे। मैं यहाँ पर तकरीबन मुझे 2 साल हो चुके आते हुए, 2 साल हो गए आपको माशाल्लाह से यहाँ पे, तो कैसे अभी तक हूँ मैं आना है? अच्छा, तो कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है इन रिटर्न में भी, और अगर कोई एक्सचेंज भी हो तो उसमें भी कोई इशू नहीं होता ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है एहतिसाम जंजो, तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूं रीगल ट्रेड स्क्वायर पर, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माश कंप्यूटर के ओनर। इनसे मैं पूछने की कोशिश करता हूं कि भाई यहां पे इतनी ब्रांडिंग हो रही है माशाल्लाह, बाहर से मैं गुजर रहा था रोड के ऊपर भी, इन्होंने माशाल्लाह इतनी ब्रांडिंग कराई हुई है अपनी, इतने बड़े बड़े बैनर्स लगाए हुए हैं, मार्केट के अंदर आया हूं तो मतलब इन्होंने धूम मचाई हुई है रीगल ट्रेड स्क्वायर में। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है माश कंप्यूटर के ओनर मुबशिर भाई। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई। वालेकुम सलाम। मुबशिर भाई कैसे हैं? ठीक है सर, आपने तो धूम मचाई हुई है हर तरफ माश कंप्यूटर, माश कंप्यूटर, क्या मकसद है इसका? बस इसको कोई मकसद नहीं है लोगों, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऑफर वगैरह है, मतलब आपसे कुछ परचेजिंग करेंगे तो कुछ उनको फायदा होगा, बेनिफिट होगा? बेनिफिट्स तो वैसे बहुत हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रॉपर अनाउंस करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी ऑफर है हमारे कस्टमर्स के लिए। तो आपकी एक ही ब्रांच है या कराची में और भी ब्रांचेज है? एक रीगल पर है और एक हमारी टेक्नो में, टेक्नो सिटी में। किस तरह के आपके पास चीजें होती हैं थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास यहाँ पे? हार्ड ड्राइव की तमाम रेंज है। ठीक है, ठीक है, SSD में तमाम रेंज है। ठीक है, इसके बाद अब जो नई टेक्नोलॉजी M2 वगैरह आई है वो भी मिल जाती है, उसकी भी हमारे पास कंप्लीट सारी रेंज है। ये बताएं कि ब्रांडेड होती है या लोकल तो नहीं होती, कोई रिपेयर हुई हुई या सॉफ्टवेयर हुई हुई आजकल मार्केट में? सॉफ्टवेयर वगैरह वाला कुछ भी नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर वाले सामान को पकड़ने के लिए हमारे पास तो सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड है, आप उससे उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो इसके अलावा रिटर्न एक्सचेंज की कोई पॉलिसी होती है, क्योंकि लेने के वक्त आते हैं तो कस्टमर का बहुत अच्छा बिहेवियर होता है? सुन्नत को फॉलो करते हुए रिटर्न विद स्माइल। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ लेके जाते हैं नहीं समझ आती या किसी काम नहीं आ रही आपकी तो आप रिटर्न कर सकते हैं, उसकी पेमेंट आपको रिटर्न मिलेगी, या चाहे तो सामान एक्सचेंज 15 दिन के अंदर अंदर, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक हो गया, तो अब चलते हैं आपकी शॉप की तरफ, जो वहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करवाते हैं, और जो वीडियो है वो हम आपके साथ शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम। हारिस भाई कैसे हैं? ठीक है। हारिस भाई, हमने आज आपकी शॉप पे विजिट किया, माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लगे, जो आपकी प्राइजेज हैं बहुत ज़बरदस्त प्राइजेज हैं, मार्केट से बिल्कुल हट के आपके प्राइजेज हैं। ये बता दें कि माश कंप्यूटर क्या है, कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं आपके पास यहाँ पे? माश कंप्यूटर 2015 से हम लोगों ने इस शॉप स्टार्टिंग की थी। ठीक है जी, बिल्कुल 2015 से आज 2023 तकरीबन 8-9 साल तकरीबन, अगर मैं शुरू से यहीं पर ही हूँ माशाल्लाह, यहीं पे जॉब करता हूँ माशाल्लाह। और किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास? रैम्स और हार्ड ड्राइव के हवाले से आपको तमाम कैटेगरी मिलेगी जो भी आपको चाहिए हो, लैपटॉप की, कंप्यूटर की हो, कंप्यूटर की हो, कुछ भी हो। तो यूज़ में होती हैं न्यू होती हैं? सर वैसे तो बेसिकली ये यूज होती हैं, लेकिन रिफर्बिश 1 ईयर वारंटी के साथ भी हम इनको बेचते हैं, अगर कस्टमर 200-400-500 के फर्क पे अगर इंश्योर्ड होना चाहता है सारी। मतलब जिस तरीके की पैकिंग इनकी हुई हुई है मुझे तो ये बिल्कुल यूज़ लगी नहीं रही, ये आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि हम मतलब कि ये बताकर बेच रहे हैं कि ये यूज़ में है। जी बिल्कुल, ये नहीं है कि भाई लोग अक्सर मार्केट में क्या करते हैं कि पैकिंग वैकिंग अच्छी कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही 0 मीटर है, ऐसा ही है। सदर में हमारे मार्केट में यही काम ज़्यादातर होता है कि सॉफ्टवेयर वाली और रिपेयरिंग वाली हार्ड ड्राइव वो दे देते हैं, मतलब उसकी गारंटी होगी बिल्कुल, वो रिपेयरेबल नहीं होगी, सॉफ्टवेयर नहीं हुआ वो होगा उसके अंदर सर, और जो है वो बिल्कुल जो जैसा माल आता है बाहर से, बाहर से जैसा आता है अच्छे तरीके से उसकी पैकिंग चेक करके, तकरीबन हार्ड ड्राइव बाहर से ऐसी पैकिंग में ही आती है, बाहर से पैकिंग में आती है। ठीक हो गया, तो उसकी आपकी कोई चेकिंग गारंटी वगैरह कुछ होती है? एक साल की वारंटी, 1 ईयर वारंटी में
अगर कस्टमर लेना चाहे तो हम 1 ईयर वारंटी में भी देते हैं, बगैर वारंटी में लेना चाहे यूज में, जैसे हफ्ता 10 दिन की चेकिंग वारंटी के साथ अगर लेके जाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब लेने आते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं चेक करने के लिए? सॉफ्टवेयर वगैरह हाँ, अगर कोई दूर से आता है तो हम उनको यहाँ पे हमने छोटा सा एक सेटअप लगाया है, अगर वो बोलेंगे इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे। तो ये बता दें कि अगर यहाँ पे कोई विजिट करना चाहे तो सबसे पहले इसके एड्रेस की बात करें। एड्रेस बहुत आसान है, सिंपल ही है, मैं आप चलें बार मैं आपको समझा देता हूँ। सर ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे आगे से लेफ्ट पे। ये जो रोड आ रहा है सामने से, ये कहाँ से आ रही है? ये सामने प्रेडी स्ट्रीट वाला रोड आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। सामने हमारा हाँ, सामने अकबर रोड है हमारा, अकबर रोड आ गया ठीक है। ये सामने एम्प्रेस मार्केट वाला रोड आ रहा है, एम्प्रेस मार्केट वाला रोड आ गया बिल्कुल, ये कॉर्नर पे रीगल के। और ये यहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू रीगल ट्रेड स्क्वायर न्यू एंड यूज कंप्यूटर मार्केट, ठीक हो गया। तो ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं जी। यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं, यहाँ से अंदर चलते हैं और अपने व्यूअर्स को थोड़ा कम्प्लीट आगे तक एड्रेस समझाते हैं, ठीक है? ठीक है। यहाँ से लेफ्ट लेंगे, यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे हम व्यूअर्स। हमारा गेट नंबर 2 है, ये भी मास्क गेट नंबर 2 है, यहाँ पे भी आप यहाँ से भी आप आ सकते हैं। ये गेट नंबर 3 आ गया हमारा, ये गेट नंबर 3 आ गया, यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, ठीक हो गया। और ये सामने जो है इनकी जो है इस तरीके से पूरी जो है ये वॉल पे भी आपको जो है ना पहचान हो जाएगी जब आप यहाँ विजिट करेंगे, बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च कंप्यूटर। और यहाँ से अगर आप आएंगे तो ये गेट नंबर कौन सा, ये वाला भाई? ये गेट नंबर 14, ये गेट नंबर 4 है, गेट नंबर 4 है। और ठीक है, गेट नंबर 4 से अगर आप आएंगे तो यहाँ से आपको बहुत ईजी हो जाएगा, बिल्कुल इनके राइट साइड पे आपको ये शॉप इनकी, ये गेट नंबर 4 से आप आएंगे तो डायरेक्ट फ्रंट पे दुकान पे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो मेरी फेसबुक पेज पर देखिए, उसको मैक्सिमम दूसरे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे व्यूअर्स इन प्रोडक्ट से फायदा उठा सके। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, थैंक यू। और इसमें बिस्मिल्लाह करते हैं, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है, कौन सी चीज़ हमें दिखाने वाले? सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये 500 GB की हार्ड ड्राइव, 500 GB की जी, ये 500 GB की न्यू है जी, ये रिफर्बिश हुई, एक साल वारंटी के साथ, एक साल वारंटी वाली आ गई, ठीक है। इसके अलावा ये तमाम स्टॉक यहाँ पे मिल जाएगा जी, ये तमाम स्टॉक 500 GB मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और ये 500 GB बगैर वारंटी में अगर आप लेना चाहें तो 500 GB, ये भी बिल्कुल साफ सुथरी होती है, फ्रेश ऑर्डर्स होती है, ठीक है। इसमें वो सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं होंगे। तो क्या प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है इसकी? और मार्केट प्राइस वैसे तो 1700-1800 रुपए के रिटेल प्राइस होते हैं इसके, लेकिन अगर कोई बल्क क्वांटिटी में हमसे अगर 20 पीस का बॉक्स लेता है या ज्यादा क्वांटिटी में लेता है तो इनमें हम रेटों में मजीद और भी गुंजाइश निकाल लेते हैं। अभी आप कितने की देंगे ये फाइनल? एक पीस अगर कोई लेता है, एक पीस अगर कोई लेने आता है तो इनमें 1600 रुपए में, 1600 रुपए में, वैसे मार्केट में 1700-1800 रुपए। और ये वाली कितने की मिल जाएगी? ये आपको 1300 रुपए की मिल जाएगी अगर एक पीस लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऊपर 1 TB में आ जाते हैं तो? इसके अलावा 1 TB में आ जाएंगे तो 1 TB आपको मिल जाएगी। ये 1 TB कितने की है? 1 TB आपको हार्ड ड्राइव 4600 रुपए की, 4600 रुपए की मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। फ्रेश कंडीशन है बिल्कुल, पैकिंग भी जो है ना थाईलैंड से होकर आई है मेरे ख्याल में, बाहर की है सारी, ठीक है। स्टॉक तो सब में मिल जाएगा ना जी? सब में मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा, ठीक है। ये कितने की? 4600 की। अच्छा, इसमें ऊपर आप चले जाते हैं, इससे ऊपर आ जाएंगे तो आपको 2 TB मिल जाएंगी। 2 TB जी, 2 TB कितने की है सर? 2 TB आपको मिल जाएगी 6500 रुपए की, 6500 रुपए की। ये मैं आपको रिटेल प्राइस बता रहा हूँ, एक एक दो दो पीस की, ठीक है। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी लेंगे कस्टमर तो ठीक है। इसमें भी देखिए तमाम का तमाम स्टॉक जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इससे ऊपर आपको 3 TB मिल जाएगी। 3 TB का क्या रेट है? 3 TB आप 7500 में ले लीजिए, 7500 रुपए में ले लें, ठीक है। टोशिबा की होती है ये जी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे आप आ जाए 4 TB पे, 4 TB आपको 4 TB मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 4 TB की जी, 4 TB की हार्ड ड्राइव मिल जाएगी, ठीक है। ये किस कंपनी के दिखाएं? ये WD वेस्टर्न डिजिटल, WD की वेस्टर्न डिजिटल मिल जाएगी, ठीक है। ये कितने की? ये आपको मिल जाएगी 11000 रुपए की, 11000 रुपए की मिल जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट कौन सी? इसके बाद 6 TB आती है, 8 TB आती है, अगर आप देखना चाहते हैं। मतलब 500 GB से लेके 8 TB तक, 8 TB तक आपको, ये 8 TB भी भाई आपको यहाँ से, ये 6 TB है, 6 TB है, 6 TB है, ठीक है। इसके अलावा ये 8 TB है, ये 8 TB मिल जाएगी, ठीक है, सी गेट की जी है। ये कैमरों पे भी चलती हैं, कैमरों पे जी, सिस्टम के अलावा आजकल जो कैमरे लगते हैं, DVR लगते हैं, उन पे भी चल जाती है। मतलब कि 500 GB से लेके 8 TB तक की वैरायटी आपके पास यहाँ पे मौजूद होती है, बिल्कुल। अच्छा, ये हो गई हमारी तमाम हार्ड डिस्क की वैरायटी कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या दिखाने वाले हैं हमें? नेक्स्ट आपको रैम दिखा देते हैं, रैम्स आपको मिल जाएंगे। ये तमाम रैम्स का स्टॉक हुई है माशाल्लाह, इतना सारा स्टॉक जी। कौन कौन सी रैम है यहाँ? ये 2 GB DDR3 है, ठीक है, 4 GB DDR3 है। ये लैपटॉप की भी रैम्स आपको मिल जाएंगी, अच्छा, सिस्टम की भी रैम्स आपको मिल जाएंगी, सही है। ये 8 GB DDR3 है, लैपटॉप भी है, डेस्कटॉप भी है। ये DDR4 आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये 8 GB DDR4 मिल जाएगी, सही है।
लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों की। अच्छा, उनकी कुछ प्राइसेस भी साथ साथ बताना ताकि हमारे व्यूअर्स को आसानी हो जाए। आपको बता देता हूँ, 2GB DDR3 की रैम आपको 800 रुपये की मिल जाएगी एक साल वारंटी के साथ। वैसे यूज़ में इनके 400-500 रुपये का रेट है, लेकिन अगर कस्टमर इंश्योर्ड होना चाहे तो एक साल की वारंटी 200-300 रुपये का 400 रुपये का फर्क आता है और एक साल की वारंटी मिल जाएगी। इससे ऊपर की, इससे ऊपर फिर 4GB DDR3 मिल जाएगी, वो 1300 रुपये की मिल जाएगी एक साल वारंटी के साथ। यूज़ में लेंगे तो 1000 रुपये का रेट है उसका। इसके अलावा 8GB DDR3 मिल जाएगी, वो यूज़ में 2500 रुपये की है, न्यू में 3000 रुपये की है। 500 रुपये का सिर्फ फर्क मिलेगा कस्टमर को और एक साल की वारंटी, एक साल की इंश्योर्ड हो जाएगा वो। 16GB वाली, 16GB DDR4 में आपको मिल जाएगी, वो यूज़ में अगर लेंगे तो 7000 रुपये की है और 1 ईयर वारंटी में लेंगे तो 8000 रुपये की है। लैपटॉप और डेस्कटॉप के रेट तकरीबन सेम ही होते हैं, 100-150 रुपये का अगर फर्क होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये जो बॉक्सेस में रखी हुई हैं, ये क्या चीज़ें रखी हुई हैं बॉक्सेस? ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रखी हुई है। ये इस्तेमाल के अलावा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है? जी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। ये SSDs है, ये SSD की भी बहुत बड़ी बल्क क्वान्टिटी हमारे पास मिल जाएगी। ये तमाम की तमाम व्यूअर्स आपको SSDs मिल जाएंगी। तो ये सब जो है वो लैपटॉप में भी यूज़ हो जाती है, डेस्कटॉप में भी? जी, लैपटॉप पे भी यूज़ हो जाती है डेस्कटॉप। ये 128GB की SSD है, तमाम लैपटॉप में से निकली। कितने की है? 128GB की SSD आपको, ये अगर यूज़ में लेंगे तो यूज़ में आपको 2500 रुपये की मिल जाएगी और एक साल वारंटी में 3000 रुपये की मिल जाएगी। 500 रुपये का फर्क आ जाएगा। 500 रुपये के फर्क। कहाँ से कहाँ तक की इसमें वैरायटी होती है आपके पास? इसमें SSD आपको 1 TB तक मिल जाएगी मेरे पास से, 128, 256। अच्छा, 256 कितने की? 256GB 4500 रुपये की एक साल वारंटी में। और 512? 512 8000 रुपये की एक साल वारंटी में। और 1 TB? 1 TB की SSD 14000 रुपये की है एक साल वारंटी में। 14000 रुपये की। तो सब यही एक ही ब्रांड की होती है या रिटेल प्राइस बता रहा हूं? अगर कोई बल्क में लेता है तो मजीद डिस्काउंट? बल्क से मुराद 10 पीस 20 पीस? 10 पीस, 5 पीस, 10 पीस 20 पीस। 5 भी लेगा तो उसको होलसेल प्राइस लेगा तो उसमें मजीद 200-300 रुपये के में। अच्छा, तो ये कौन से ब्रांड की होती है? ब्रांड्स इसमें मिक्स होती हैं, तकरीबन ब्रांडेड। ये सारे लैपटॉप में मतलब पाकिस्तान में यूज़ नहीं हुई? ये पाकिस्तान की यूज़ नहीं होती, ये बाहर से हुआ वो होता है ना, कुछ हुआ वो बिल्कुल ऐसा ही। ये बाहर से अमेरिका से कंटेनर जो बल्क क्वांटिटी में आप बल्क क्वांटिटी में कंटेनर में जो निकलती है हार्ड ड्राइव उनमें से निकली होती है, बिल्कुल ऐसा ही। आजकल मार्केट में चाइना की SSDs भी बिकना शुरू हो गई हैं और बॉक्स के अंदर भी, बॉक्स के अंदर बिक रही है, यहीं पर पैकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्पीड परफॉर्मेंस कस्टमर जो चीज़ मांगता है वो मिलती नहीं है। ये जो चाइना की आजकल यूज़ हो रही है चाइना से बेहतर SSD ब्रांडेड है। आप बेशक ब्रांडेड यूज़ में हो जाता है ना कि यार वो नहीं है, ये थोड़ी सी यूज होती है तो माइंड में ही होता है यार यूज़ है, पता नहीं चलेगा ऐसा ही। कस्टमर को ये चीज़ समझाने में थोड़ा सा हमें भी प्रॉब्लम होता है। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? इनकी परफॉर्मेंस और चाइना की परफॉर्मेंस में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। अगर आप वो यूज़ करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा। बता दूं कि मैंने चाइना की यूज़ की थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मेरे पास एक सैमसंग की थी, मैंने कहीं और से ली थी। अच्छा, और यूज़ में थी वो। अच्छा, अभी तक अच्छी चल रही है बिल्कुल ऐसे। और जो मैंने चाइना की ली थी वो ख़राब हो गई। ऐसा ही है, यही चीज़ कस्टमर को समझाना थोड़ा सा हमारे लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन कस्टमर लेके जाता है ब्रांडेड तो फिर वो ब्रांडेड ही लेने के लिए आता है, वो कभी भी चाइना यूज़ नहीं करेगा। तो ये तमाम अलग अलग ब्रांड्स की होती हैं? तमाम अलग अलग ब्रांड्स, लेकिन बहुत ही ब्रांडेड है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये क्या रखा भाई यहाँ पे? ये सब एसेसरीज हैं, ये सब अगर आप जो मैंने आपको यूज़ में दिखाई अगर वो वही आप वारंटी में लेना चाहेंगे तो इतना डिफरेंस आता नहीं है। वो यूज़ वाली थी सारी? जी। अच्छा, और ये सारी की सारी वारंटी में? ये वारंटी में मिल जाएंगी। अच्छा, पैकिंग भी बाहर से ही होकर आती है? नहीं, ये पैकिंग यहाँ पे होती है। अच्छा, ये वाली पैकिंग यहाँ होती है। और जो हार्ड ड्राइव की पैकिंग है? हार्ड ड्राइव की पैकिंग भी तकरीबन यहाँ पे होती है और बाहर से भी हार्ड ड्राइव पैकिंग में आती है, लेकिन वो हम चेक करते हैं बाकायदा सॉफ्टवेयर वगैरह पे। अच्छा, तो चेकिंग के दौरान खोल देते हैं सारी पैकिंग। ये वाली कितने की बताइए आपने? ये आपको 2900 रुपये की मिलेगी। 128? जी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो रखा हुआ है ये क्या है? ये SSD वही चाइना, ये कस्टमर की डिमांड पे रखी हुई होती है, रखी हुई है। हाँ, डिमांड्स के ऊपर रखी हुई होती है। ये भी चाइना, ये भी चाइना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर कुछ बता रहे थे मुझे, सॉफ्टवेयर कैसे चेक करवाते हैं आप? सॉफ्टवेयर थोड़ा सा पर्सनल है हमारा। अच्छा, वैसे अगर कस्टमर को चेक करनी है यहाँ पे, चेक करना चाहते हैं तो ये हमने सेटअप छोटा सा लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ अगर कस्टमर को तसल्ली करनी हो, यहाँ पे चेक करना हो तो ये ऊपर स्क्रीन वगैरह सब चीज़ें हम यहाँ पे कस्टमर को चेक करवा के दे देते हैं। अगर कोई दूर से आया हुआ है तो उसको आने और वापस ले जाने में आया तो मुतमिन होके चला जाए हमारे पास। अच्छा, इस साइड पर ये जो चीज़ें लगी हुई हैं सर, ये सब वही हार्ड ड्राइव जो मैंने आपको दिखाई है, ये लैपटॉप की हार्ड ड्राइव है। अच्छा, लैपटॉप की ये 250GB है, ये भी बल्क क्वांटिटी में हमारे मतलब पास मिल जाएगी। लैपटॉप की हार्ड ड्राइव मिल जाएगी। कितने से कितने जीबी तक होती हैं ये? 160GB 80GB से लेकर के तकरीबन 1 TB तक मिल जाएंगे। 1 TB तक ही आपको मिल जाएंगी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव? जी, लैपटॉप की हार्ड ड्राइव। इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट जो हमने अभी तक नहीं दिखाया? इसके अलावा यूज़ ये 10 TB की हार्ड ड्राइव दिखाओ। 10 TB भी मिल जाएगी? 10 TB भी मिल जाएगी। माशाल्लाह, 10 TB की हार्ड ड्राइव देखें आप। ब्रांडेड कितने की है ये? ये 48,000 की है। 48,000, इसमें भी 1 ईयर वारंटी? इसमें भी 1 ईयर की वारंटी, 1 ईयर वारंटी मिल जाएगी इसके अंदर आपको। और 48,000 रुपीज़ मिल जाएगी। बाकी ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सामने ऊपर लगी हुई सारी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ये वाली? जी, ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव डेटा सेव करने के लिए चाहिए होती है कस्टमर्स को। तो कितने की है ये? ये 500GB 500GB है, इसमें 1 TB भी रखी हुई है मेरे पास। अच्छा,
ये एक्सटर्नल पोर्टेबल ड्राइव्स मिल जाएंगी ये आपको जी। और ये कितने की मिलेगी? 500 GB की हार्ड ड्राइव आपको 2800 रुपये की मिलेगी और 1 TB 6500 रुपये की, एक साल वारंटी। 6500 रुपये की और 500 GB 2800 रुपये की मिल जाएगी, 1 ईयर वारंटी, 1 ईयर वारंटी। बिल्कुल यही ब्रांड्स होते हैं, सीगेट की होते हैं और भी आपके पास ब्रांड्स मिल जाते हैं? मेरे पास वैसे ज़्यादातर सीगेट ही होती है, लेकिन हम कस्टमर की ऑन डिमांड के ऊपर उसको जो भी चाहिए होती है वो मंगवा के अवेलेबिलिटी करके दे देते हैं। अच्छा, तो अब इसके ये बताएं कि रिटर्न एक्सचेंज की कुछ पॉलिसी होती है? बिल्कुल सर, ये तो सुन्नत है, क्यों नहीं है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। बिल्कुल, क्या प्रोसीजर रिटर्न, अगर कोई कस्टमर रिटर्न करवाना चाहता है, कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आती जेन्युइन रीज़न के ऊपर, तो हम रिटर्न विद स्माइल करेंगे उसको। अच्छा। कैश रिटर्न कर देंगे। मतलब ये तो नहीं कि जब लेने आते हैं तो स्माइल तो होती है, जब वापस को मसला आ जाता है तो उनके आगे सर पर आ जाती है? नहीं, हमारा बिहेव वैसा ही रहेगा जैसे कस्टमर को देते जी, देते टाइम भी जैसा है वैसे लेते टाइम भी। उसका ख्याल रखिएगा, हमारे व्यूअर्स जो है ना काफी दूर दूर से वीडियो देखते हैं, ये तो वो हमारी वजह से वो ट्रस्ट करते हैं कि श्याम भाई अच्छे लोगों की ही वीडियो बनाते हैं, तो ये अक्सर ऐसा मसला आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और असल में हार्ड ड्राइव और रैम ये आइटम भी इतना सेंसिटिव है ना कि ये इसमें पकड़ना भी बहुत मुश्किल है कि कौन सी सॉफ्टवेयर हुई है, कौन सी रिपेयर हुई है, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट बनाना थोड़ा सा ना। तो जो चीज़ आपने बताई है ये सेम यही चीज़ ही मिलेगी अगर घर पे उनके डिलीवर होती है तो? सर बिल्कुल ये चीज़ मिलेगी। अक्सर ये होता है कि वीडियो में लोग जो है ना वो ऑनलाइन आपको पता ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप माशाल्लाह 8 से 9 साल से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपकी अपनी शॉप है, ये नहीं है कि कोई ऐसे बस ऑनलाइन लेके बैठे हुए सेटअप, आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं अगर कोई मसला होता भी है तो। बिल्कुल, आप आए यहाँ पे विजिट करके जाए, और हमारा बाकायदा पूरे कराची के पूरे पाकिस्तान में माल जाता है। सर हमारे साथ मौजूद है माज कंप्यूटर के एक बहुत ही पुराने कस्टमर जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? शकील मेरा नाम है। सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कब से आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और कैसी सर्विसेज हैं इनकी? मैं यहाँ पर तकरीबन मुझे 2 साल हो चुके हैं आते हुए। 2 साल हो गए आपको माशाल्लाह से यहाँ पे, तो कैसा अभी तक हूँ मैं आना है? अच्छा, तो कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है इन रिटर्न में भी, और अगर कोई एक्सचेंज भी हो तो उसमें भी कोई इशू नहीं होता ना। आप पर्सनल अपने लिए शॉपिंग करते हैं किसी कंपनी के? मैं बेसिक बिलोंग तो मैं किसी कंपनी से हूँ। अच्छा, लेकिन अपना भी कोई भी कोई काम हो जाता है मुझे तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो डिस्काउंट डिस्काउंट मिलता है ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मिलता है? या अक्सर ऐसा होता है कि लेने के लिए आते हैं तो कस्टमर का बिहेवियर कुछ होता है, जब कुछ रिटर्न एक्सचेंज करना हो नहीं, बिहेवियर बात ही नहीं सुनता, कभी नहीं, नहीं बहुत अच्छे माशाल्लाह बहुत डिसेंट लोग। तो कब से आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं? 2 साल मैंने आपको बताया, 2 साल और अभी तक हूँ, अभी तक भी। आप जो है आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि लोगों को यहाँ पे शॉपिंग करनी चाहिए? अब मैं तो यही बोलूँगा जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा, यहाँ पे विजिट करना चाहिए? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपसे, अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। कोई दुकानदार हजरात ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, मतलब अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे माल लेना चाहते हैं, तो उनको कुछ फेवर मिल जाएगा? सर बिल्कुल फेवर, वैसे तो हमारा होलसेल का ही काम है, लेकिन फेवर मैं ये कर सकता हूँ, आपके जो आपके बिहाफ से कस्टमर आएगा उनको अगर एक पीस भी चाहिए तो मैं उनको बल्क क्वांटिटी में जिन रेटों पे सामान देता हूँ उन्हीं रेटों पे एक पीस भी दे दूँगा, एक पीस भी दे दूँगा। चलिए ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको मैक्सिमम दोस्तों शेयर कीजिएगा। इसकी तमाम डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन लोकेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इनकी एक अपकमिंग एक ऑफर आने वाली है इंशाल्लाह, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और टेक्नो सिटी भी अगर आपको करीब पड़ता है तो टेक्नो सिटी में क्या ब्रांच? टेक्नो सिटी में भी हमारी एक ब्रांच है, शॉप नंबर GD31 वहाँ का नंबर एड्रेस है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, यही प्राइसेस वहाँ पे भी मिल जाएंगे। अगर वीडियो का रेफरेंस देंगे टेक्नो में तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक हो गया, तो फिर सब लगा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।